तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विन ब्लॉग्स 18। और आज हम मतलब एक बहुत खूबसूरत जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, और हमारे साथ यहाँ पर जा रहे हैं पेम्बा सर और पापा और मैं जा रहे हैं, हम तीन लोग जा रहे हैं। और सर अभी यहाँ पर आ चुके हैं, और सर के साथ पापा जाएंगे और मैं मतलब हमारा स्कूटी चलाऊँगा, और पापा सर के साथ जाएंगे तो इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। हम जहाँ पर भी रुकेंगे वहाँ पर मैं वीडियो करना स्टार्ट कर दूँगा। तो पहले मतलब पापा लोग को जाने देते हैं, फिर हम निकलते हैं। मतलब बहुत 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 अच्छा, मतलब बहुत सुंदर जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, ये सरप्राइज रखा है आप लोगों के लिए। तो चलिए, पापा निकल चुके हैं और हम भी चलिए निकलते हैं। स्टे कंटिन्यूड। तो देख ही सकते हो हम लोग पशुपति पहुंच चुके हैं, और ये हम नेपाल की तरफ एंटर कर रहे हैं। अभी मैं स्कूटी पापा को चलाने देता हूं, तो मैं सर के साथ पीछे बैठा हुआ हूं इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, वरना वीडियो रिकॉर्ड ही कर नहीं पाता। और हम पहुंचने वाले हैं अभी कस्टम ऑफिस नेपाल का, और वहां पर जाकर हम एक मतलब क्या कहते हैं उसको, टोकन ले लेंगे जिससे हम नेपाल में घूम सकते हैं एक दिन के लिए, और वो टोकन पड़ता है 100 रुपया का। तो चलिए चलते हैं ऊपर और टोकन काटते हैं। वो एक बाइक का 100 रुपया लेता है, और यहाँ पर शायद वीडियो रिकॉर्ड करने को मनाही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना खतरा मोल ले रहा हूँ। और यहाँ पर नेपाल का आर्मी बैठा हुआ है, नेपाल पुलिस और आर्मी कंबाइन यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सर कैसा लग रहा है आप लोग? और हम जा रहे हैं अभी कस्टम ऑफिस जो यहाँ पर ऊपर है, जो ये नीला नीला दिख रहा था वो है कस्टम ऑफिस। और पापा ने स्कूटी में ही चाबी को छोड़ दिया है, तो चलिए लेने के लिए जाते हैं चाबी। इतने लापरवाह है ना हमारे पापा, देख सकते हो स्कूटी में ही छोड़ दिया है चाबी। और तो वहाँ पे वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे थे, ओ भैया वीडियो करना मना ही है कह रहे थे, पर मैं तो नेपाली समझता हूँ। तो अभी कस्टम ऑफिस खाना खाने के लिए गए थे, तो अभी वो आ चुके हैं, और देख ही सकते हो हम काट रहे हैं टोकन। तो जब तक पापा और सर टोकन काट रहे हैं, हम थोड़ा सा डांस देख लेते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियाँ यहाँ पर बहुत अच्छे से डांस कर रही है नेपाली सॉन्ग में। अब तक देवसे और भैरो चल रहा है यहाँ पर, देख सकते हो नेपाल साइड में। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाबा बिस्तारी हिन्नु ल एकछिन, बिस्तारी हिन्नु ल। तो चलिए अभी हम निकलते हैं यहाँ से कनियाम की तरफ। जो हम जगह जा रहे थे, एक सुंदर जगह है वो कनियाम है। तो चलिए पापा पीछे पीछे चलेंगे और हम आगे आगे चलेंगे। अभी बहुत मतलब रफ रोड है, तो इसीलिए मैं सर के साथ बैठा हुआ हूँ, और जो सर का बाइक है वो बहुत कंफर्टेबल है, और सुंदर सुंदर नज़ारे देखने शुरू भी हो चुके हैं। तो देख ही सकते हो पापा पीछे पीछे और मैं सर के साथ बैठा हुआ हूँ, और हम अभी पहुँचने वाले हैं पशुपति मार्केट जो नेपाल की तरफ पड़ता है। वहाँ पर आप लोग कपड़े मतलब सब चीज़ बहुत सस्ता मिलता है, आकर विजिट कर थोड़ा शॉपिंग कर सकते हो। आप लोग ज़रूर आना यहाँ पर विजिट करना, और यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा दारू भी मिलता है नेपाल का। चलिए हम अभी क्रॉस कर चुके हैं पशुपति मार्केट को, और यहाँ पर देख सकते हो ऑटो भी आ सकता है यहाँ पर। मतलब थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है, फिर भी यहाँ पर ऑटो दौड़ता है जो हमारे वहाँ नहीं दौड़ता। और खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखने शुरू भी हो चुके हैं, और हम पशुपति मार्केट से थोड़ा ही नीचे यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी सब गाड़ी आपको नेपाल नंबर का दिखेगा,
और यहाँ ये राइट साइड से जो नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, यहीं से ये रास्ता जाता है पापा का, मतलब मामा का घर। जो पापा का मामा का घर है वो नेपाल में पड़ता है, बांगिन कहकर एक जगह है वहाँ पर। और चलिए वो बात छोड़ते हैं अभी और चलिए नज़ारे का मज़ा लेते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ना, और देख ही सकते हो हम अभी बौद्ध धाम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से शायद 2-3 किलोमीटर होगा बौद्ध धाम, और यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता है। और आज बहुत मज़ा आने वाला है, और देख सकते हो पापा यहाँ पर धूम मचाले वाला सीन होता है यहाँ पर। पापा अभी क्रॉस कर चुके हैं हमें, और थोड़ा सा नीचे से मैं चलाऊंगा स्कूटी और पापा सर के साथ जाएंगे। मतलब अभी तक मैंने नेपाल के रास्ते में अभी तक कभी भी नहीं राइड किया है स्कूटी, तो स्कूटी बाइक कुछ भी अभी तक मतलब मैंने अपने आप से चलाया नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा नीचे से मैं चलाऊंगा और यहाँ से स्कूटी में चलाऊंगा, और पापा जा रहे हैं सर के साथ, तो चलिए चलते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं कन्याम व्यू पॉइंट। ये देखिए पीछे हमारे बहुत भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हो आप पूरा यहाँ पर कितना, देख सकते हो आप लोग इतना भीड़ है कि पांव रखने का जगह भी नहीं है, और फोटो खिंचाने का दूर का बात, और यहाँ पर अभी बहुत भीड़ है। जो कन्याम लिखा हुआ है वहाँ पर तो बहुत 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 ही ज़्यादा भीड़ है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। और देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पे कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पर टी स्टेट का, और ये कन्याम टी स्टेट है, और इधर उधर भी टी स्टेट बहुत आगे तक दिख रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो आप श्रीअंत दिख रहा है, उससे उस पार सोनादा दिख रहा है जो इंडिया में पड़ता है। और अभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए चलते हैं, और वीडियो भी वहाँ पर जाकर थोड़ा सा करते हैं कुछ। चलिए यहाँ पे बहुत 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 ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देख ही सकते हो पीछे, मतलब पाँव रखने का भी जगह है, पर मतलब मौका नहीं मिल रहा, ट्रेंड नहीं लग रहा हमारा फ़ोटो और वीडियो खिंचाने का, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं खाली होने तक, फिर हम वीडियोस और फोटोज़ कैप्चर करते हैं। और तब तक आप लोग यहाँ पर सिनेमैटिक देख लो, बहुत अच्छा अच्छा सिनेमैटिक लिया है हमने, तो आप लोग देख लो, चेक कर लो एक बार कितना अच्छा आया है। Thank you.
चलिए वहाँ टीले की तरफ चलते हैं जहाँ पर नेपाल का नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। और सर आगे आगे जा चुके हैं और मैं और पापा यहाँ पे पीछे पीछे जा रहे हैं सर के। तो वो देख सकते हो आप लोग, ऊपर जा रहा है वो, येलो कलर का एक स्ट्राइप जैसा दिख रहा होगा पर वो सीढ़ी है ऊपर जाने का। तो चलिए वहाँ तक चलते हैं और वहाँ से ऊपर चलकर व्यू देखते हैं थोड़ा सा कैसा है, वहाँ से कैसा दिखता है सराउंडिंग यहाँ का। आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। तो चलिए हम अभी ऊपर की तरफ जाएंगे और सीढ़ी तो यहाँ से बहुत दिख रहा है, देखते हैं कितना सीढ़ी है यहाँ से। चलिए चलते हैं, अभी चढ़ाई शुरू करते हैं माउंटेन एवरेस्ट का। अबे यार इतना आधा चढ़ चुके हैं हम, तो अभी आधा बचा हुआ है। और तो हम अभी पहुंच चुके हैं, हमने पूरा माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया है। ऐसा माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ी सक्यौँ हामी। ए टाढा खिच्न नगो, भ्यू छ तर दामी है। एकछिन ल एकछिन ल, एक सराउन्डिङ खिचिहाल्छु। तो जुमलो बाबा आबो ओरालो। तो चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ और नीचे चलते हैं पहले, फिर बाइक लेकर चलते हैं घर की तरफ। अभी यहाँ पर 4:30 हो चुका है तो इसीलिए टाइम का बहुत पाबंदी है। अभी मतलब पशुपति पहुँचते पहुँचते ही शाम हो जाएगा, इसीलिए चलिए चलते हैं। तो अभी हम कन्याम को यहाँ से गुड बाय बोलते हैं और चलते हैं घर की तरफ, बहुत देर हो चुका है। तो चलो कन्याम बाय बाय, सभी को बाय बाय। तो आज घूमने में बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा अच्छा व्यू देखने को मिला। और आप भी अगर व्यू मतलब इतना अच्छा अच्छा सीन देखना चाहते हो तो सवेरे आना और यहाँ पे अच्छा सनराइज़ का व्यू मिलेगा आप लोगों को और बहुत अच्छा अच्छा वाइब्स मिलेगा। तो ज़रूर आना आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए। इट्स कन्याम नेपाल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फिक्कल बाज़ार और यहाँ से हमें राइट की तरफ लेना है। अगर सीधे सीधे जाएंगे तो इलाम की तरफ जाएंगे और यहाँ से अभी यू टर्न लेके राइट की तरफ, फिर हम इस रास्ते से पहुंचेंगे पशुपति बौद्ध धाम के रास्ते। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा नीचे में काका का घर है, वहीं पर रुकेंगे थोड़ा देर। यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा देर,
काका का घर है हमारा, और यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं। ये क्या कर, ठीक है ना जी, पीते जुम भाई जी, पीते जुम। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, चाय वाय पिया, थोड़ा सा सब्जी वब्जी खरीदा काकी के दुकान से। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, अंधेरा हो रहा है और अभी यहाँ से नहीं निकले तो जल्द नहीं पहुँच पाएंगे पशुपति, और ऊपर बौद्ध धाम में भी रुकना है बुद्ध स्टैचू के सामने। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए चलते हैं यहाँ से, अभी निकलते हैं, शाम हो रहा है, अभी अंधेरा भी हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं बौद्ध धाम के बुद्ध स्टैचू, ये देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, और अभी हम तीन जन जा रहे हैं ऊपर, देख सकते हो अभी मतलब पूरा ठंड भी हो चुका है, तो पूरा बाइक और स्कूटी चलाने में कठिन हो रहा है, पूरा हाथ जमा देने वाला हवा चल रहा है इधर। तो देख सकते हो अभी पशुपति यहाँ से शायद होगा 7-8 किलोमीटर ऊपर। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारा बुद्ध स्टैचू का ओपनिंग भी नहीं हुआ है, तो उनके चेहरे पर एक ग्रेनेड लगाया हुआ है, पूरा चढ़ा ये यहाँ तक, आपको दिखाता हूँ इतना चढ़ाई था। तो देख सकते हो बुद्ध जी का स्टैचू, उनकी स्टैचू पे यहाँ ऊपर फेस में एक ग्रेनेड लगाया हुआ है, और चंदा मामा भी निकल चुके हैं। तो बहुत अंधेरा हो चुका है, ये देख सकते हो आप लोग व्यू यहाँ से सनसेट का, और यहाँ नीचे मैं आपको रोड दिखाता हूँ, ये वाला रोड हम अभी आ रहे हैं कन्याम की तरफ से फिकल मार्केट होकर, और यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है, सर जी यहाँ पर कैमरामैन बने हुए हैं, और पापा यहाँ पर मॉडल, देख सकते हो आप लोग, और आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरा होने ही वाला है। और यहाँ पे बुद्ध स्टैचू जो अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है, इसीलिए उनके चेहरे पर देख सकते हो एक ग्रेनेड लगाया हुआ है। तो अभी जाएंगे हम इस ब्रिज पे, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ पर सनसेट का, और इस ब्रिज को हम क्रॉस करके उधर तक जाएंगे और वापस आएंगे, ठीक है। ये ब्रिज इतना हाइट पे है ना, आप लोग देख सकते हो नीचे बाइक पार्क किया हुआ है, हमारा बाइक इधर में पार्क किया हुआ है, अभी अंधेरा है तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर शायद कुछ टीवी या कोई नेटवर्क का टावर होगा, तो हम उधर नहीं जाते हैं अभी, बहुत देर हो चुका है, तो फिर किसी दिन आएंगे तो अच्छे से घूमेंगे। अभी हम घर से कितने बजे निकले हैं, 2:30 को निकले हैं, तो अभी इतना घूम नहीं पाया है, देख सकते हो अभी यहाँ पे ये सनसेट का व्यू है बौद्ध धाम से, नेपाल बौद्ध धाम से, देख ही सकते हो कितना अच्छा व्यू निकल के आ रहा है, और पापा वहाँ, पापा और सर जी वहाँ पे घूम रहे हैं, फोटो वोटो खींच रहे हैं, और पूरा
अंधेरा हो चुका है, देख सकते हो इतना अंधेरा, और ये पुल भी बहुत हिल रहा है बे, डर लग रहा है मेरे को, कितना आवाज कर रहा है। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ, जो है जो तो अभी हम पहुंच चुके हैं पशुपति फाटक, यहाँ पे रिकॉर्ड करने नहीं देगा तो इसीलिए बंद कर रहा हूँ। तो देख सकते हो आप लोग, हम पहुंच चुके हैं पशुपति इंडिया के तरफ का पशुपति, और अभी बहुत रात हो चुका है, तो देख सकते हो कुछ मतलब अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा। तो चलिए सीधा घर पहुँच कर बात करते हैं, ठीक है आपसे। तो हम पहुंच चुके हैं घर, और सर यहाँ पे अपने ग्लव्स उतार रहे हैं। तो आज कैसा हुआ आपका राइड? यहाँ आज का बहुत दिन से हम बढ़िया हुआ, कैसा लगा आपको? मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब उतना अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, बीच का ठीक है फिर भी। जो सोचा था नहीं हुआ है। और हम पहुंच चुके हैं, ये रहा हमारा, हम लोगों का दोनों धन्नो, दो धन्नो यहाँ पर बोध आज, मतलब इन लोगों की वजह से बहुत हेल्प हुआ आज घूमने में। मम्मी जी यहाँ पर खाना पका रही है, देख सकते हो क्या पका रही हो माँ? अरे देख सकते हो पकोड़े तल रहे, पकोड़े बन रहे, आलू आलू कद्दू कद्दू का बन रहा है पकोड़ा, और यहाँ पर चिल्ली कट रहा है, डल्ले खोरसा नहीं, यहाँ हमारा लोकल वाला। तो कैसा लगा आप लोगों को कन्याम और बौद्ध धाम का वो स्टैचू? आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना। और अभी पहुंच चुके हैं हम घर, और यहाँ पे पापा भी पहुंच चुके हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।